शुरू कर दिए बीपीएस न्यूज में हूँ संतोष कुमार पार्थ मंडल के टॉप टेन खबरों के साथ में हाजिर शहर के पटेल भवन में जदयू का विधानसभा चुनाव को लेकर हुई बैठक को संबोधित करते हुए नालंदा जिला के जिला अध्यक्ष मोहम्मद असरद ने कहा कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पार्टी में हम लोग जुड़े हुए हैं और उनकी योजनाओं को धरातल पर उतारना है साथ में लोगों को बताना है तभी हमारी पार्टी से लोग जुड़े गए दूसरी खबर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिलसा इकाई के द्वारा हिलसा अनुमंडल स्तरीय क्यूज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें नाइन्थ टेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ के छः छात्राओं ने भाग लिया इस दौरान करीब पाँच सौ छात्राओं ने हिलसा अनुमंडल स्तर पर भाग लिए सुनते हैं तीसरी खबर हिलसा थाना क्षेत्र के दाह बीघा गाँव एवं नवडिया गाँव से हिलसा थाना पुलिस ने सात लीटर देसी शराब के साथ दो शराब कारोबारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया हिलसा थानाध्यक्ष अभिजीत कुमार रविवार की संध्या पाँच बजे जानकारी दिया कि शराब कारोबारी गुप्त सूचना के आधार पर हिलसा थाना पुलिस ने हिलसा थाना क्षेत्र के दाहविगा गांव से दो लीटर शराब के साथ शराब कारोबारी सुनील कुमार को एवं हिलसा थाना क्षेत्र के नवडीहा गांव से पाँच लीटर देसी शराब के साथ शराब कारोबारी हिरेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किया सुनते हैं चौथी खबर एकांडसा प्रखंड क्षेत्र के तलहाड़ा में जिला स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया रविवार की दोपहर दो बजे त्रिपोलिया गोल्ड फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन हुआ जिसमें फुटबॉल टूर्नामेंट में एफसी क्लब ने बीबीएम क्लब गोविंदपुर को तीन जीरो से हरा दिया है इस दौरान मौके पर नेशनल खिलाड़ी कुणाल बनर्जी ने कहा कि खेल को खेल की भावना की तरह देखना चाहिए खेल में हार और जीत लगा रहता है इस दौरान पूर्व मुखिया धर्मेंद्र चौहान सुरेंद्र प्रसाद रामबाबू उमेश प्रसाद मोनू कुमार इत्यादि लोग मौजूद थे सुनते हैं खबर मुरारपुर गांव में भागवत कथा में श्री कृष्ण बाल लीलाओं का किया गया वर्णन प्रखंड के मुरारपुर गांव में सात दिवसीय श्रीमद भागवत संगीत में कथा का आयोजन किया गया इस दौरान कथावाचक प्रभु पौड्य के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन रविवार की संध्या सात बजे किया गया इस दौरान वाचक ने कहा कि सदैव कल्याण इससे होता है उन्होंने कहा कि मनुष्य जीवन विषय वस्तुओं को भोगने के लिए नहीं बना है लेकिन आज मानव भगवान की भक्ति को छोड़कर विषय वस्तुओं को भोगने में लगा हुआ है जीवन में सदैव दूसरे की भलाई के लिए काम करते रहना चाहिए व्यक्तियों को सपने में किसी का हित नहीं करना चाहिए मानव शरीर जगत कल्याण के लिए मिला है लोगों को मदद करना चाहिए इस दौरान तो काफ़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई मौके पर नवल किशोर शर्मा सचदानंद शर्मा बुटूस कुमार सुमन कुमार इत्यादि मौजूद थे सुनते हैं छठी खबर शनिवार की रात्रि नौ बजे करापेश्वर थाना क्षेत्र के बाहापर गांव में पारिवारिक विवाद को लेकर मारपीट हुआ जहाँ बाहापर गांव निवासी अजय प्रसाद जख्मी हो गए जख्मी अजय प्रसाद को करापेश्वर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए लाया गया क्रापेश्वर थाना में मारपीट के मामले में अजय प्रसाद के द्वारा परिवार के तीन लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन दिया गया बता दें कि घर का दरवाज़ा खोलने के विवाद को लेकर मारपीट हुआ है इस मामले को लेकर रविवार की दोपहर तीन बजे थाना के थाना अध्यक्ष अमित कुमार सिंह ने बताया कि थाना में आवेदन मिलने के बाद प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है सुनते हैं आठवीं खबर सर के बिहारी रोड में संगठन मजबूती को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की एक बैठक हुई बैठक को संबोधित करते हुए जिला संयोजक प्रकाश कश्यप ने कहा कि देश का प्रथम छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है जहां हम लोग छात्रों की समस्या को लेकर लगातार आंदोलन करते हैं कॉलेज में छात्र सहायता केंद्र लगाते हैं कॉलेज में विभिन्न मुद्दाओं को लेकर आंदोलन करते हैं जहां भी लगता है कि छात्र की समस्या है वह हम लोग हमेशा मुस्तैदी के साथ खड़े रहते हैं और छात्रों की समस्या को निदान करने का लगातार प्रयास करते हैं बैठक के दौरान शुभम सिंह विकास कुमार विकास कुमार त्रिपाठी साहिल पटेल नीतीश कुमार चंदन कुमार मोहित कुमार मनीष कुमार रजनीश कुमार विनीत कुमार यादव समेत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यगण मौजूद थे सुनते हैं सातवीं खबर इस्लामपुर नगर परिषद क्षेत्र के मठ पर आर्मी उत्सव हॉल में नालंदा जिला औषधि विक्रेता संघ के बैनर तले केमिस्ट जागरूकता सह संवाद कार्यक्रम किया गया बैठक को संबोधित करते हुए नालंदा जिला औषधि विक्रेता संघ की मजबूती को लेकर वक्ताओं ने चर्चा किया इस दौरान राजेश कुमार गुप्ता संजीव कुमार अमित कुमार चौरसिया प्रियंका भारती सिमरन परवीन अमरेंद्र कुमार अजय कुमार डॉक्टर राम नरेश चौधरी इत्यादि मौजूद थे बैठक की अध्यक्षता अमरेंद्र कुमार ने किया सुनते हैं आठवीं खबर शराब कारोबारी हुआ गिरफ्तार रविवार की दोपहर दो, दो बजे जानकारी देते हुए खुदागन अध्यक्ष जयप्रकाश नारायण ने बताया कि तलाशी के दौरान इस्लामपुर थाना क्षेत्र के खटोला बिखा गांव के समीप बाइक से देसी शराब एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा रहा था तलाशी के दौरान 40 लीटर देसी शराब पुलिस ने बरामद किया है और बाइक को भी जब्त कर लिया है इसके बाद छोटे सपेरा के बीस वर्षीय पुत्र पवन कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है सुनते हैं नौमी खबर हिलसा के डीएसपी कार्यालय के पास हिलसा मंडल क्षेत्र के विभिन्न थाना में जब्त किए गए देसी विदेशी शराब को नष्ट किया गया है इस दौरान अठारह लीटर शराब को नष्ट किया गया है हिलसा के पुलिस पदाधिकारी निरंजन कुमार ने बताया कि शराब कारोबारियों के विरुद्ध चलाए जा रहे छपारी अभियान के तहत चौदह लीटर देसी शराब एवं 404 लीटर विदेशी शराब शामिल है सुनते हैं दसवीं खबर दीपावली लक्ष्मी पूजा एवं छठ पर्व की तैयारी जोर शोर के साथ चल रहा वैसा में बिहार राज्य के बाहर रहने वाले लोग अपने घर वापस यानी नालंदा जिला में आने की तैयारी में जुट गए हैं और ट्रेनों पर बुकिंग करा रहे हैं अगर वीडियो अच्छा लगे तो लोग के बीच में शेयर करें